करना है गुलाम नबी आसा मेरे रिश्तेदार ना कितने गल उन्हें सुनाई तो मैं इस होटल लेकिन ठीक है मेरे को भी कई लोग आफर ले आए तुम्हें पिछले होना जो पोलिटिकल पार्टियां जुड़े रहे उन्हें भी पैसे लेकर क्रॉस वोटिंग की और जिन्हें नहीं दिता वो भी अभी रिकॉर्ड कर दें पता ये पायद आदमी है हम इसके पास गए लेकिन इसने रिफ्यूज कर दिया मैं आपका आपको वोट नहीं दे सकता तो मैं इस वास्ते ज्यादा गल्ला समझो का टाइम ज्यादा ले लिया थोड़ा लेकिन मैं इो तुम्हें आगा कि अगर तुम समझो कि तुम्हें भी कर्म करना थोड़ा योगदान इस स्टेट की पढ़ाई वास्ते लोगों की सेहत वास्ते या लोगों की मदद कि अपना वोट अपनी सपोर्ट उन्हें लोगों की दो जेड़े सच्चाई वास्ते स्टैंड करते हैं जेड़े करप्शन के खिलाफ जेड़े करप्शन नहीं करते जेड़े आवाज सुनते हैं और उनके वास्ते फाइट करते हैं थोड़े को ऑप्शन खुला है इस वास्ते कर्म जरा है वह सोच लो जिन्हें इतने साथी आख्या यह जरा कर्म का संदेशा हर जगह फैलाई दो तो अज तुम अगर इन मल्टीप्लाई होना मॉरल एजुकेशन जी है बड़ी कमी है जिनी परेशानियां उनकी वजह घरें परेशानियां बाहर परेशानियां दफ्तर परेशानियां उनकी वजह ना तो मैं आप जानते हैं कि जम्मू पार्टी ने ये डिक्लेयर किया है कि जम्मू संभाग के 10 जिलों में चुनाव लड़ेंगे और 43 सीट्स पे कंटेस्ट करेंगे। एकजुट जम्मू पार्टी के विस्तारीकरण के लिए हमारे जगह जगह पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। आज हीरानगर के लोगों ने जो हमारी बर्थ प्लेस भी है इनवाइट किया था कि आप यहाँ से इस मुहिम का आगाज करिए, तो उसी पृष्ठभूमि में आज मेरा यहाँ पे आना हुआ। आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में यहाँ के बुजुर्ग और नॉन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मुझे लगता है कि हीरानगर से प्रारंभ करना हमारे लिए एक गर्व की भी बात है। बचपन यहीं से शुरू हुआ, पढ़ाई यहीं से शुरू हुई, उसी संबंध में आज यहाँ पे मीटिंग रही और आपने सब लोगों के विचार भी सुने कि किस तरीके की एक लहर एक जुड़ी जम्मू पार्टी को लेकर यहाँ पे बनती पड़ रही है। आज चर्चा हुई उन विषयों पे जिन विषयों को लेके पार्टी आगे का अपना एजेंडा डिफाइन करेगी। आज चर्चा हुई किस तरीके से स्ट्रेटजी ले डाउन की जाएगी फॉर एक्सपेंडिंग एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। इसके बाद हमारे घगवाल के नीचे कुछ गांव पड़ते हैं, वहां पे अभी कुछ ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स हैं 4 बजे के करीब जम्मू में ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो बहुत तीव्र गति से हमारा काफिला ये बढ़ रहा है। सब लोग इस बात को अब मान रहे हैं कि जम्मू संभाग सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज़ को फेस कर रहा है। देखिए 2014 के बाद ही जो इनका इनसेंसिटिव कैरेक्टर था वो नज़र में सब लोगों की आया। अब गवर्नेंस इश्यूज़ हो, वैचारिक इश्यूज़ हो या जम्मू संभाग के कलेक्टिव पॉलिटिकल इश्यूज़ हो, उन सब इश्यूज़ पे भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को बिट्रे करने का, लोगों की पीठ में चूरा भोंकने का ही रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से डेली वेजर्स का इशू है, नेशनल हेल्थ मिशन में लगे हुए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ का इशू है, ये तमाम इशूज़ जो हैं वो आने वाले समय में उभर के सामने आ रहे हैं। ये बहुत पुराने इश्यूज़ हैं जिन्हें अनरिजॉल्व रखा गया था। हम डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन हो, जो अपनी नौकरी को लेकर दरबदर लोग हो रहे हैं और जो खतरे में हैं कि उन्हें आज निकाल दिया जाएगा, उन्हें प्रॉपर एक सिक्योरिटी ऑफ जॉब प्रोवाइड हो, उसके लिए एकजुट जम्मू तो हमेशा से कार्यरत है ही है। तो मुझे लगता है कि एक टोटल कोलैप्स है, टोटल फेलियर है यहाँ पे भाजपा की राजनीति का, भाजपा की रणनीति का, और जिसके विरोध में ही लोग अब इकट्ठे होकर ये तय कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल विकल्प जो एकजुट जम्मू पार्टी है उसका दामन थाम के आगे बढ़ेगा। अभी भी कश्मीर को ही सेंटर में रखा जा रहा है, इनफैक्ट कश्मीर की इकोनॉमी को तो मिडल ईस्ट और गल्फ के साथ एंटेंगल किया जा रहा है, जिसमें अल्टीमेटली कुछ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आपको आने वाले समय में दिखेंगे, क्योंकि जो बड़ी ताकतें जियो पोलिटिकल फोर्सेज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, हमने हमेशा ही कहा कि इंडियन स्टेट जो है इट इज़ होस्टाइल टू द इंडियन नेशन, और सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट्स के खिलाफ काम करना इंडियन स्टेट का चरित्र भी रहा है, कैरेक्टर भी रहा है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। तो ऐसी सब चीज़ें आपको देखने में आने वाले समय में मिलेंगी, लेकिन एकजुट जम्मू जिस तरीके से एक पॉलिटिकल विकल्प की तरह बन रहा है, इन इश्यूज़ को एड्रेस कर रहा है, मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा सबवर्सिव एलिमेंट्स के लिए इस तरीके से काम करना। हाँ, राजनीतिक तौर पर जैसे ही हमें शक्ति और मिलेगी, आई थिंक विल वाइप आउट ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी लिमिटेड। एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में दुबई जैसे एक्सपो और बड़े बड़े देशों के एक्सपो जो है कश्मीर में होते हैं और जम्मू में सिर्फ भाजपा, मैंने यही कहा अपनी स्पीच में भी यही कहा कि भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर का मतलब केवल कश्मीर है। आप एलजी हो, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हों, बात भी कश्मीर की भी और काश्मीर कह के करेंगे
और जाएंगे भी वहाँ पे, दौरे भी वहीं पे करेंगे, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स भी वहीं पे आएंगी। मध्य में कश्मीर है, और ये तो कई बार भाजपा के लोग कह चुके हैं कि एलजी साहब और केंद्र सरकार का मैंडेट जम्मू कश्मीर को ये लेके है कि कश्मीरी मुसलमान की एलिनेशन को ख़त्म करना है, कश्मीर की एलिनेशन को ख़त्म करना है। पिछले 70 साल की रियलिटी ये है कि गुलाम जम्मू रहा, डिस्क्रिमिनेटेड जम्मू रहा, डिसएम्पावर्ड जम्मू रहा, जम्मू के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली, पिछड़ा हुआ जम्मू रहा, जम्मू के इलाकों की डेवलपमेंट नहीं हुई, और इन्हें एलिनेशन दूर करनी है उनकी, जो खुद इंपीरियल ताकतें हैं, जो खुद एक्सप्लॉयटर्स हैं। मुझे लगता है कि बहुत एक विकट परिस्थिति है, जिस विकट परिस्थिति में अब लोग धीरे धीरे मन बना रहे हैं कि एकजुट जम्मू जो पार्टी है उसे पॉलिटिकली एम्पावर करेंगे, ताकि अपने सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज के खिलाफ। विपक्ष की बात करें, जम्मू में विपक्ष लगातार टूट रहा है, चाहे पैंथर्स पार्टी की बात करें या फिर अन्य जम्मू संभाग के दल हैं, टूट रहे हैं, क्या देखते हैं कि आने वाले समय में एकजुट जम्मू एक नया विकल्प बन पाएगा? देखिए, जम्मू संभाग में, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के इश्यूज हैं, उन इश्यूज पे जिस तरीके का हमारा डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड भी है, एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है जो जम्मू संभाग के लोगों के सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के इश्यूज को एड्रेस कर पाए। हम ये कह नहीं रहे हैं, हमने पिछले 6-7 वर्षों में जो कार्य किए हैं जम्मू के इश्यूज, जो जेनोसाइडल अटैक्स जम्मू पे हैं, उन प्रोसेसेस को जिस तरीके से समझ के उन्हें सादा भाषा में आर्टिकुलेट करने का काम किया है, और जिस तरीके से कश्मीरी हेजेमोनिक ऑर्डर को रिवर्स करने का जम्मू में काम किया है, कोई विकल्प नहीं है एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी के अलावा जो सफल होगा। चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, जम्मू संभाग की 10 सीटों पर आपका लड़ने का ऐलान है। जम्मू संभाग के 10 जिलों की 43 सीट्स पे लड़ने का हमारा ऐलान है। हमने ये कहा कि ना कश्मीर की कोई बात होगी, ना वहाँ पे हमारा कोई कैंडिडेट होगा, क्योंकि हम अपनी पोजीशन को किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं करना चाहते, और केवल जम्मू की बात होगी, केवल जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात होगी। और अंतोगत बाद हमने ये नारा दिया है कि जब तक जम्मू को अलग करके कश्मीर से आप सेपरेट स्टेट नहीं बनाते, प्रॉब्लम्स प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहाँ पे दिल्ली का ये मानना है कि कश्मीर के हाथ में ही सत्ता सौंप के अफेयर्स को आगे चलाना है, तो डिलिमिटेशन भी फ्रॉड सेंसिस पे की जा रही है। इस फ्रॉड सेंसिस पे जब जम्मू को ऑलरेडी एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आपने रखा है, तो किस तरीके से अफेयर्स आगे चलेंगे? हम और 15 साल की गुलामी कश्मीर की नहीं सह सकते, इसलिए जम्मू को अलग किया जाए, जम्मू को अलग स्टेट बनाया जाए, और कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ा जाए, कश्मीर में 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई जाएं, एक कश्मीर वालों के लिए और दूसरी उन हिंदुओं के लिए जिनका नरसंहार करके, मार के, पीट के 1990 के दशक में उन्हें वहां से भगा दिया गया था। रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड। कल डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग है, क्या उसमें हिस्सा लेगी एकजुट पार्टी? हमने पहले ही कहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन एक इलेजिटिमेट एंटिटी है, एक ऐसी एंटिटी है जो झूठ के आधार पर जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिस्टोर करने का काम कर रही है। जम्मू को उसकी जनसंख्या के हिसाब से सीटें नहीं मिल रही हैं। 2011 के सेंसिस को आधार बनाया जा रहा है डिलिमिटेशन करने का, वो सेंसिस जो फ्रॉड और फज्ड सेंसिस है, जिस सेंसिस को इस्तेमाल करके जम्मू संभाग की पॉपुलेशन को कम कर लिया गया। हमने ये कहा था कि 2021 के सेंसिस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाओ, अगर वैसा हुआ होता तो जम्मू को आज 50 सीटें मिलती 90 में से, कश्मीर को 40 मिलती और जम्मू भी अपना मुख्यमंत्री बने, ऐसा सपना जो है साकार होता देखता। तो ये इतने बड़े बिट्रेयल के बाद कोई मतलब ही नहीं बनता कि इस झूठे इलेजिटिमेट प्रोसेस में एकजुट जम्मू पार्टिसिपेट करे। वी आर फॉर आइदर इलेक्शन, अगर आपने करने हैं तो 2021 के सेंसिस के आधार पर डिलिमिटेशन करके करवाइए, नहीं तो वी आर टोटली फॉर अ सेपरेट जम्मू स्टेट। देखिए, मैं यही कहूँगा कि देखिए, डिमांड सेम होने का मतलब ये नहीं है कि जिन कारणों से डिमांड की जा रही है वो भी सेम हो, लेकिन हाँ, वी आर वेरी ओपन टू एवरीथिंग कि अगर यूनिटी ऑफ थॉट हो सके, क्योंकि जिस सच्चाई को का सरोकार हमने किया पिछले 6-7 वर्ष के संघर्ष में, उस सच्चाई के आधार पे ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है, और उसके कारण अलग हैं। हम जिन कारणों से जम्मू को अलग स्टेट बनाना चाहते हैं वो कारण अलग हैं, लेकिन हाँ, वी आर वेरी ओपन टू दिस थिंग कि अगर यूनिटी ऑफ थॉट हो जाए तो मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस यूनिटी ऑफ थॉट ना हो तो सरों का जुड़ना नाकाफी है। जम्मू में हवाला का पैसा पकड़ने की बात सामने आई है, पूर्व मंत्री इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं, क्या देखते हैं कि अब? नहीं, हम तो कह ही रहे थे जड़े पसार चुके। नहीं, मैं जम्मू में काफ़ी देर से जड़े पसार चुके हैं लोग, ये तो हवाला का पैसा अभी आया। यहाँ पे तो आर्म्स और एम्यूनिशन की भी बहुत रिपोर्ट्स जो हैं वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के पास हैं कि आर्म्स और एम्यूनिशंस भी कहाँ पे हैं। हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में सबवर्सिव एक्टिविटीज़ बहुत बहुत अपने पैर पसार चुकी हैं, और आज से नहीं पसार चुकी हैं, पोस्ट 1990 अर्ली 2000 से पसार चुकी हैं। अनफॉर्चुनेटली स्टेट ऑफ इंडिया डिनायल मोड में रही है। स्टेट ऑफ इंडिया की अप्रोच जम्मू कश्मीर को लेकर कि यहाँ पे वायलेंस को मैनेज करना है, वायलेंस एक हद तक ना बढ़े वही मैनेज करना है, लेकिन वायलेंस
होने के जो कारण हैं उन सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त करना केंद्र सरकार की या यहाँ की सरकार की कभी भी प्राथमिकता नहीं रही। जिस तरीके से इन सबवर्सिव एक्ट्स को एक्सपोज करने का काम हमने एकजुट जम्मू पार्टी के माध्यम से किया है, उसके बाद प्रॉबेबली इनकी नज़र उन एरियाज में पड़ रही है जिन एरियाज को ये नज़रअंदाज करते थे, और आज आपको लग रहा है कि जम्मू में भी हवाला की इतनी ट्रांजेक्शन हो रही है और टेरर फंडिंग के लिए यहाँ पे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, ऐसे आरोप नजर लगते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप की आप बात करें जिसकी चर्चा भी हो रही थी, उसमें तो काफ़ी सारे लोगों के नाम है, अब इनके होश उड़े होंगे, ये डिनाइल मोड में थे। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब जम्मू के उद्धार का समय है, तो जो बातें कही जा रही थी, जो बातें हम कह रहे थे कि सबवर्जन का लेवल इतना है, हर जगह पे घुसा हुआ है, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे एक्सपोज होना शुरू हुआ। हमने कहा कि किस तरीके से आप लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट ऑन जम्मू उसकी मंशा को नहीं समझ रहे हो, और आपको आज बठिंडी चुवादी सिदड़ा वहाँ पे जो इंस्टॉलेशन हैं कंक्रीट जंगल्स ऑफ इस्लामिस्ट सेटलमेंट्स, वहाँ से बहुत सारी खबरें इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो एक्सपोजे हुआ उसके माध्यम से भी नजर आती हुई दिख रही हैं। अब प्रॉबेबली अगर इस समय इनकी आंख नहीं खुलेगी तो मुझे नहीं लगता किस समय खुल पाएगी।